दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ लद्दाख के 200 साल पुराने एक लद्दाखी किचन में, जहाँ एक लद्दाखी आंटी लद्दाख का लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड बनाकर लोगों को अपने होम स्टे में सर्व करती है, जिसमें लद्दाख की बटर टी और लद्दाख की लोकल बियर जिसको छंग कहते हैं और ट्रेडिशनल फूड भी शामिल है। तो आइए आज आपको इनकी पूरी मेकिंग दिखाते हैं और आपको आज खा करके भी बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं कहाँ हूँ, है ना, मैं हूँ लद्दाख। अभी मैं ना कुछ ऑथेंटिक शूट करने जा रहा हूँ क्योंकि लद्दाख हूँ और आपको पता है कि मैं हर जगह जाता हूँ तो कुछ ऑथेंटिक ढूंढ के लाता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी रिसर्च के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे गैप थगो होम स्टे किचन है और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं वहाँ पर और आपको आज 1000 साल पुराना किचन दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं उस जगह जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया था। ये मेन मार्केट से कुछ 15-16 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जो जगह है ना ये, बाकी अंदर चल के पूरा आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे और जैसे ट्रेडिशनल लद्दाखी लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं और क्या खाते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए मिलते हैं। हेलो मैम, जूले जी। मैम आपका नाम क्या है? जूले जी, मेरा शेवान यांगजिस हेरिटेज होम स्टॉक। आप ओनर है और कब से आप ये गेस्ट हाउस? हमने जो है ना 2005 चला रहा है। 2005 और बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैं देख रहा हूँ काफी कस्टमर्स हैं आपके पास। और आप ये ट्रेडिशनल जो आपने ड्रेस पहना है ना, इसको क्या बोलते हैं मैडम? बहुत अच्छा लगा। कोस बोलता है। कोस सर, समर में हम मार्केट वाला ये वाला खरीद के पहनता है, सर्दियों में अपना खुद का वोविंग करके, वोविंग का काम करके वूलन का कपड़ा पहनता है। ओके, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्योंकि ये किचन है ना, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये एक किचन है और ये बहुत ही खूबसूरत और एक ट्रेडिशनल किचन है, राइट जी। तो और ये क्या है आपके सामने? ये जो है ना, इसमें बॉयल वाटर केटल में डालता है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालता है, बटर टी बनाता है। बटर टी बना रहे हैं? सोल्टी टी बनाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इसमें क्या लिया था? मिल्क। इसमें बॉयल वाटर, सोल्ट, टी लीव, मिल्क डाला हुआ है। तो ये अपना लोकल गाय का बटर है, हम अमूल बटर यूज नहीं करता है जी, होममेड बटर यूज़ता है। तो बहुत बढ़िया। तो इसमें ये डालता है बॉयल वाटर, सोल्ट, टी लीव, मिल्क डालता है। और ये पिंक कलर का वाटर, पिंक कलर जो है ना, टी लीव इसको बम्बू ट्री, गुरगुर बोलता है इसका नाम। इसका नाम है गुरगुर। इसका नाम है गुरगुर, ऐसे शेक हो जाता है ना क्योंकि ये आवाज करता है, इसलिए आवाज गुरगुर बोलता है ना, तो इसका नाम गुरगुर। बम्बू का बना हुआ है। देखो दोस्तों ये अब बन गया है और ये इसमें हमारा जो है टी रेडी है, बटर टी। हम लोग बटर टी ज्यादा पीते हैं क्योंकि बॉडी गर्म रहता है, खून बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग बटर टी ज्यादा पीते हैं। ओके मैम, ये किचन कितना पुराना? ये जो है ना 10-15 साल का है। ये 10-15 साल पुराना जी, है जी। और मैंने सुना था एक और भी एक किचन है जो कि बहुत पुराना है। हाँ जी, वो पीछे 200 साल पहले जमाने का है। हाँ जी, हमारे दादा परदादा का वो सामान रखा हुआ है ना, पुराना किचन। ओके, तो वो उनका अभी भी है, आप दिखा सकते हैं? बहुत सारा लोग, हमने 2005 से वो खुला हुआ था, अभी बहुत सारा लोग विजिट के लिए आ रहा है। तो वो लोग एज अ यहाँ की इतिहास की तरह, हिस्ट्री की तरह देखते हैं, की तरह कि ओल्ड हाउस कहीं जगह पे नहीं है ना, हमारे यहाँ मेंटेन करके रखा हुआ है। तो कभी ऐसा होता है कि आप कभी वहाँ पे भी कुछ बनाते हो, बस उसको आपने ऐसे रखा है विजिट? तो दोस्तों देखो ये हमारी जो बटर टी थी वो रेडी हो चुकी है और अब जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनली सर्व किया जाता है ना, इसमें मैडम इसको क्या बोलते हैं? कोरे बोलते हैं। तो देखो पहले जमाने में लकड़ी का आता है, ये आजकल के मॉडर्न का है। ओके बहुत बढ़िया। ये जो है ना, अभी मैंने यहाँ एलपीजी रखा हुआ है, नहीं तो इधर 3 जगह पे बर्तन रखने की जगह है। ये चूल्हा है, चूल्हा ये वाला, ये पीतल का चूल्हा है, ओल्ड हाउस में मिट्टी का चूल्हा है, ये पीतल का चूल्हा है। यहाँ से धुआं जाने के लिए, इधर से गोबर डाल के आग जलाता है, लकड़ी डाल के आग जलाता है, तो आग जल जाता है ना, कमरा गर्म हो जाता है, खाना भी इधर ही बनाता है, कमरा भी गर्म हो जाता है। सर्दियों में जो -20-25 तक जाता है ना, बाहर बर्फ गिरता है ना, उसी टाइम हमने ये एलपीजी हटा के यहाँ गोबर डाल के लकड़ी डाल के यहाँ कुकिंग करता है। अच्छा, वही तो। और सर्दियों में हम एलपीजी थोड़ा कम यूज करता है, गोबर लकड़ी पे खाना बनाता है, उसमें ज्यादा स्वाद है। अच्छा, टेस्ट अच्छा होता है। और ये देखो दोस्तों ये जो मैकेनिज्म है ना, ये देखो ये स्टोन पोट है, पत्थर का पोट। ये जो है ना अभी नया न्यू हाउस में हम इसी में थुप्पा बनाता है सर्दियों में। पुराना घर में बहुत लोग है ना ऐसा वाला। और जो आप थुप्पा बनाते हैं, थुप्पा मैंने सुना है कि 2 तरीके से बनता है, एक वेज और एक नॉन। आप कौन सा? हम नॉन वेज यूज करते हैं।
आप प्योर वेज हो? प्योर वेज करते हैं जी। और कोई भी कस्टमर आता है तो उसको आप प्योर वेज ही खिलाते हैं? नहीं, हम नॉन वेज कभी भी नहीं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों, ये बहुत पुराना और ट्रेडिशनल एक बर्तन है, पत्थर का है और ये भी पीतल का है, तो ये भी अच्छा है, नुकसान नहीं करता है ना। बहुत बढ़िया। तो ये अभी इन्होंने इसको थोड़ा सा और गर्म कर दिया, और शायद आपने पी के भी इसलिए देखा था कि कितना गर्म है कि नहीं। आप लोगों को मैं पिलाएगा, आप लोग बैठिए जी, पिलाए। काफी ओके, बट इसमें जो है ना, हम लोग केटल यूज करते हैं, हम थर्मस यूज नहीं करते। ओके, ये देखो दोस्तों, ये है यहाँ की बटर टी, और बटर अपना लोकल गाय का दूध का बटर, लोकल गाय का। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आप टेस्ट कीजिए जी। तो दोस्तों, अब हम लोग जो यहाँ की ट्रेडिशनल बटर टी है ना, उसको ट्राई करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएं। एक्चुअली मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इस तरह का, क्योंकि इससे पहले ना तो मैं इस जगह आया हूँ, लद्दाख नहीं आया था इससे पहले, और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो ये है जी हमारा कप, ये देखो, ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल। तो देखो, इसकी सबसे पहले मैं आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो कलर है ना, वो बहुत ही लाइट पिंक कलर, ठीक है। और अब लेते हैं इसका स्प्राइट, पी के देखते हैं। क्योंकि मैं कारगिल भी गया था जी, है ना, फिर कारगिल से हम आए लामायुरू। हाँ जी। लामायुरू और कारगिल में भी हम लोगों ने एक जो नमकीन टी होती है ना, हाँ हाँ, वो पी थी, जो इसी तरह की होती जी, है, इसी कलर जी। बट उससे काफी अलग टेस्ट है इसका, क्योंकि हमारा ये जो ना गाय के दूध का बटर यूज करता है ना। जब आप लोग को मंदिर से मिलेगा, मार्केट से मिलेगा, कहीं जगह पे अमूल बटर यूज करता है। हमने ऑर्गेनिक है ना, हमने यहाँ लंच डिनर भी खिलाता है वो लोग को, ड्राई चीज, अपना लोकल दही, लोकल सब्जी। हमने फर्टिलाइजर यूज नहीं करते है सब्जी को, खेत को भी यूज नहीं करते है, सब्जी को यूज नहीं करते। तो आप जो यहाँ पे सब्जियाँ बनाते हैं ना, वो भी आप खुद के उसमें? हाँ, खुद के गार्डन से, क्योंकि आजकल हर ये लेना बाहर उगता है, सर्दियों में हम पीछे ग्रीन हाउस पे उगता है। सूदिंग है, बहुत अच्छा है। और अगर आप एक दो बार पियेंगे ना, तो इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, और फिर शायद आप यही पियेंगे, राइट। नेक्स्ट, अभी मैं देख रहा हूँ आपने और ग्लासेस लिए हैं, तो क्या आने वाला है इसमें? लोकल बियर जी, लोकल बियर, छंग बोलता है इसका नाम, छंग, इसका नाम है छंग। ओके, ये वो है गेहूं का बनाता है, गेहूं का। हाँ जी, ये अल्कोहलिक होता है? अल्कोहलिक थोड़ा सा होता है जी। ये इसका ईच पोडर जो होता है ना, वो नुब्रा वैल्यू से होता है, पर फर्मेंट होने के लिए मुश्किल होता है, एक हफ्ते के बाद फर्मेंट होता है। एग्जैक्टली, हाँ, तो एक हफ्ता एटलीस्ट लग जाता है बियर को बनने में। गैस लोग को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए देते हैं। ज्यादा नहीं, कोई कोई लोग जो होता है ना, हम सेल करो, मैं खरीद के ले जाएगा, बताया हम एक बूंद भी नहीं देता है। अच्छा मैम, आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये की क्योंकि ये जो ग्लास है ये तो शॉर्ट्स वाले है ना, तो अगर एक ये शॉर्ट वाला ग्लास कोई है ना, तो कितना अल्कोहल पावर है इसमें? की पावर तो फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला को इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये दो तीन गिलास पीना से नशा हो जाता है। थोड़ा सा ही डाला है ताकि हम टेस्ट करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही आए हैं, ताकि आपको बता पाए कि कभी भी अगर आप यहाँ आते हैं ना। अच्छा मैम, ये इस जगह का एग्जैक्ट नाम क्या है? इस जगह का नाम, गेहूं का नाम स्टॉक है, ये जगह का नाम गैपठाओ हेरिटेज होम, गैपठाओ हेरिटेज होम घर का नाम। ओके, और क्योंकि ये हेरिटेज होम है, तो यहाँ पे आपके पास रूम्स हैं, लोग आके रह सकते हैं। तो आपके टैरिफ क्या होते हैं, आपके क्या प्राइस? रूम का प्राइस पर पर्सन 1500 रुपीस, 1500 पर नाइट, राइट, पर नाइट। बहुत बढ़िया, फूड इंक्लूड है अगर 1500 में, तो बहुत अच्छा है। फूड में आप क्या क्या देते हैं? मतलब फूड में हमने लोकल ज्यादा खिलाता है, क्योंकि जब स्टे वाला जो होता है ना, उसको मेन्यू चेंज करके चावल भी खिलाता है। ओके, चापाती भी खिलाता है। तो आपके मेन्यू में जो ट्रेडिशनल मेन्यू है, उसमें क्या क्या चीजें आती है? ये सारा आइटम आ गया। हेलो सर, जुले जुले जी, जुले जी, आपका नाम सर? पलदन। मैडम कौन है? वाइफ हमारा। ओ ग्रेट, ग्रेट। सो आप दोनों मिलकर रन करते हैं, है ना? हाँ जी। तो अभी जैसे कि ये सारा यहाँ है दोस्तों, देखो ये खाना लग गया है हमारा जी। तो यहाँ के फूड को क्या बोला जाता है? धुनतंग बोलता है ना एक खाना, धुनतंग, धुनतंग। हाँ। तो सर आप एक एक करके बताइए कि खाने में क्या क्या है, है ना? पहले ये है ना हमारा, ये थुप्पा बोलता है, इसमें लोकल मटर डाला है जी। और ये बेस किस चीज का? बेस जो है ना, इसमें थोड़ा हम सत्तू डालता है।
सत्तू डालते हैं। तो इसमें लोकल मटर डाला है, लोकल चीज डाला है। ये है जी हमारा जो ये जो है ना मोमो बोलता है ना, मोमो तो अभी आजकल स्पेशली हम लद्दाख और तिब्बतन का फूड है। ये वेज का है, इसमें मिक्स वेजिटेबल गोभी मैदा का नहीं, ये अपना आटा का है। अच्छा, ये आटा का? हम मैदा बिल्कुल यूज नहीं करते, मैदा बिल्कुल हम यहाँ यूज नहीं करते। सब्जी भी अपना सारा अपना है जी, लोकल आंगन में बाहर आपको देख सकते। बिल्कुल, अभी देखेंगे हम लोग। ये मोमो का ये वो है चटनी, मोमो के साथ चटनी है। हाँ। बहुत बढ़िया। ये किस चीज से बना है? ये जी गाजर, रेडिश, टमाटर, प्याज थोड़ा सा हल्का डाल के, थोड़ा सा अपना लोकल मसाला डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। बहुत बढ़िया। हाँ। इसको बोलता है छुतागी। छुतागी? हाँ, इसको छुतागी के साथ ये सब्जी मिक्स होता है, इसको टर्निप जो होता है ना शलगम के साथ। जी जी जी, शलगम के साथ इसको इसको पहले हम पूरा बॉयल करके थोड़ा सूप डालता है, फिर सब्जी डालता है, फिर थोड़ा सा फ्राई करता है सब्जी को। ओके, तो छुतागी, इसको छुतागी। छुतागी, हाँ। ओके, सो व्हाट इज दिस? ये लास्ट में हम स्वीट बोलते हैं ना इसको, फटिंग। अच्छा, हमारा जो स्वीट है ना ये होता है। ओके, ये डाई एप्रिकॉट है ना, डाई एप्रिकॉट को बॉयल वाटर में थोड़ा थोड़े दो तीन घंटे पहले उसको थोड़ा साफ करके पानी में थोड़ा ऐसे रखेगा ना तो सॉफ्ट हो जाता है। डिजर्ट लेते हैं? हाँ, डिजर्ट है, लास्ट में हम यही लेते हैं। हमारे लोकल सीवी नहीं होता है, सिर्फ यही हम। तो अभी रह गया ये रोटी। ये जो ना रोटी खमीर बोलता है इसको, खमीर। इसको रात को आटा भून के रखता है जी। ये भी अपना आटा का बना है। ओके, ये मैदा का नहीं है, ये भी आटा का, ब्राउन जैसा है ना मैदा का। तो ये ऐसे ठंडा ही सर्व होता है ना? ये ठंडा सर्व करता है। ओके, ये सुबह आग पे बनता है, कोयले पे बाहर। अच्छा, ये गैस पे नहीं बनाते? हाँ, गैस पे नहीं, गैस पे नहीं, ये बाहर कोयले पे ट्रेडिशनली बनाते हैं, पत्थर पे बनता है। ओके, तो ये दही है जी, इसके साथ खमीर के साथ हम दही, हाँ हम दही खमीर जो है ना हम ब्रेकफास्ट को ज्यादा लेता है। लास्ट में ये फ्राई मोमो, ये स्टीम वाला जो ये दूसरे शेप का बनाया। और इसमें जो मोमो में फिलिंग है सेम फिलिंग वेज सब्जी मिक्स है। ओके, सो ये है दोस्तों हमारा पूरा जो है ना खाना आज यहाँ पर। तो मैं आया हुआ था लद्दाख, और लद्दाख में जो लोग भी आते हैं ना तो वो फूड के लिए जाते हैं या तो माल रोड, ठीक है, या फिर उधर ही उस एरिया में जो। तो अब मुझे कुछ अलग करना था, हमेशा की तरह आपको कुछ यूनिक दिखाना था, ट्रेडिशनल दिखाना था। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पूरा खाना हमारे सामने लग चुका है, बिल्कुल ट्रेडिशनल। अब एक एक करके उठाते हैं और आपको खा करके बताते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो डिश है ना, ये है, इसको बोलते हैं थुप्पा, लोकल डिश होती है। कुछ लोग इसको सूप की तरह बनाते हैं, कुछ लोग इसमें नूडल्स भी डाल देते हैं, कुछ लोग पनीर भी डालते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये वेजिटेबल्स डली हुई हैं इसमें, थोड़ा सा हम लोग पहले इस बाउल में ले लेते हैं। सी, ये हमने थुप्पा डाल दिया, तो अब पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें बाद में ले लेंगे। सिप लेके देखते हैं। बहुत ही सही, आपने सूप तो पिए होंगे, सब सूप पीते हैं राइट। और जो वेजिटेबल सूप होता है जिसको थोड़ा सा थिक कर दिया जाता है, कुछ लोग बटर डालते हैं थिक करने के लिए, कुछ लोग चीज़ डालते हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया था कि इसमें होममेड चीज़ डाला हुआ है, तो उसका भी आपको फ्लेवर आएगा। ओवरऑल एक सूप बहुत अच्छा, फ्लेवरफुल। तो अब मैं ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं छुतागी। ये छुतागी वही डिश है जो हमने लामायुरू में भी खाई थी। इसको भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, अलग अलग बेस के साथ में, पानी को बॉईल करके, और उसमें ये जो होता है ना इसको आटे का बनाया जाता है। और इसको इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। ये देखो इसमें भी पालक डला है और भी बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स, इसको इसमें ले लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये इसके ऊपर ये लिया हमने, ये है मेरा बाइट, आप देख सकते हो। क्या होता है ना, अपन किसी और स्टेट या किसी और जगह जाते हैं ना, तो वहाँ का जो लोकल फूड होता है ना, कई बार अच्छा लगता है, कई बार सो लगता है, कई बार अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन वो सब टेस्ट बर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे टेस्ट बर्स जो है वो राजस्थान के हिसाब से हैं। बट जब से मैं आया हूँ ना लद्दाख में, जो लद्दाख की लोकल फूड में ट्राई कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें आटा यूज़ हो रहा है, इसमें दही यूज़ हो रहा है, इसमें लोकल वेजिटेबल्स यूज़ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हम राजस्थान में भी यूज़ करते ही हैं, तो थोड़ा सा फैमिलियर टेस्ट लगेगा आपको। जब आप ये खाओगे ना तो आपको बिल्कुल अलग नहीं लगेगा, और ये आप खा पाओगे। और ये सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आटे का है तो आटे का एक फील आ रहा है। उसके अलावा जो बेस है ना, उसमें भी मेरे ख्याल से चीज़ और बटर ऐड हुआ है, तो उसका भी आ रहा है, पालक भी इसमें आई है। और इसमें देखो सीजनल जो वेजिटेबल्स होती है ना, ये देखो वो भी डाले हैं इन्होंने। एक और बाइट लेता हूँ, बहुत सही लग रहा है ये मुझे, लोकल डिश है लेकिन बहुत सही लग, बहुत बढ़िया। अब मोमोज खा के देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये ले लेते हैं हम मोमो यहाँ पर, और इसके साथ में हम खाते हैं ये चटनी जो इन्होंने बताया था कि मोमो के साथ खाई जाती है, वेजिटेबल से ही बनी है ये भी चटनी। इसको यहाँ रखते हैं,
देखो मोमोज हम नॉर्थ इंडियन भी बहुत खाते हैं, ठीक है, हर जगह मोमोज मिल जाते हैं और कई तरह के मिल जाते हैं, स्टीम वेज नॉन वेज दोनों मिल जाती है। ये जो इनका होम स्टे है ये टोटली वेज है, प्योर वेज इनका होम स्टे है, तो आपको प्योर वेज मिलेगा। तो इसमें भी वेज है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मुझे दिख रहा है कैरेट है, प्याज है, पालक भी है, खाते हैं। हालांकि मैं तोड़ा इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था, बट इसको अब ये है मेरा बाइट, खा करके देखते हैं। ये भी बढ़िया, ये जो चटनी है ना ये वाली, इसमें मेरे को लग रहा है कुछ अलग सॉस डाली है या कुछ तो भी इन्होंने अलग डाला है, बहुत अलग सा फ्लेवर आ रहा है। जो वेजिटेबल्स है ना उनके साथ में एक कसारापन आ रहा है, शायद मतलब कुछ अलग इसमें डाला हुआ है, खाया जा सकता है। अब मैं एक कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ जो हमें बताया गया था कि ये कॉम्बिनेशन है, और इसको मैं हाफ कर देता हूँ पहले। जैसे हमारे यहाँ खमीर की रोटी होती है ना, वैसे इसको खबीर बोला जाता है यहाँ पे। ये भी आटे का ही बनता है, ये देखिए, और ये थोड़ा मेरे को ठंडा है बट सॉफ्ट है, ठंडा होने के बावजूद सॉफ्ट लगे। छोटा वाला हिस्सा रखता हूँ अपनी प्लेट में, ये इसमें रख देते हैं दोबारा, और इसको खाया जाता है दही के साथ। ये देखो ये दही ले लिए हमने, ये है जी दही। दही को मैं थोड़ा सा अलग से निकाल लेता हूँ बाउल में, इसको खा करके देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन है जो सर हैं उन्होंने बताया था कि इसको इस तरह से, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये नाश्ते में खाते हैं ये लोग, ब्रेकफास्ट में खाते हैं ये लोग भी नहीं, ये लोग ही खाते हैं, इनका ही लोकल फूड है, तो ये ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। इसको हम उठाते और ये दही के साथ में, आटे की एक मोटी रोटी, ठीक है, और फ्रेश जो दही होता है ना जिसमें बिल्कुल खटास नहीं होती, जो फ्रेश होता है वैसा सा दही है ये। और ये देखो सच में बहुत सी कॉम्बिनेशन है, और अब मेरे को समझ में आ गया सुबह सुबह क्यों खाते हैं ये। कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह कुछ भी मसालेदार नहीं पसंद करते, ये जो ऐसा है ये बिल्कुल आपके पेट को भी ठंडक पहुंचाता है, आपके गले को भी। अभी मैंने खाया नहीं है तो दही खाते ही जो गले में ठंडक महसूस हुई ना, शायद यही कारण है कि ये लोग सुबह नाश्ते में इस चीज़ को खाते हैं। ये बहुत सी कॉम्बिनेशन है, और इसको मैं और अभी खाऊंगा लास्ट में। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, जो कि है ये फ्राइड मोमोज, जो फिलिंग थी स्टीम मोमो में वही फ्राइड मोमो। अब हम इसको खा करके देखते हैं, ठीक है, वही पालक और सारी चीज़ें, कैरेट एंड प्याज वगैरह थोड़ा डाल के, पत्ता गोभी एंड यहाँ पे मूली का भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी इसमें, तो मैं पूरा ही खा जाता हूँ। छोटा सा साइज़ है देखो बिल्कुल, ये अच्छा है, मतलब जो स्टीम मोमो है ना कंपैरेटिवली मेरे को कम पसंद आया, फिर जो ये फ्राइड मोमो है ना ये अच्छा जायका था, अच्छा लग रहा है। देखो जब हम आए थे हमने मैडम से बात की, एक चाय बनवाई थी, वो चाय बहुत अच्छी थी जब तक गर्म थी, क्योंकि बटर वाली जब तक गर्म थी तब तक जायका आ रहा था। थोड़ी देर बाद की ठंडी हो गई, उसके बाद पिया तो मजा नहीं आया। तो कभी भी आप लोग आते हो गर्म पीना उस चाय को, बहुत अच्छी लगेगी आप। तो अब लास्ट चीज जो है वो है ये यहाँ का डिजर्ट, एप्रिकॉट है ये, और इसको बॉयल करके देखो इस तरीके से इन्होंने परोसा है हमको, ठीक है। ये देखो ये लिया है, ये एप्रिकॉट है, इसकी रंगत आप देख सकते हो, खा करके देखते हैं। देखो एप्रिकॉट तो आपने खाया होगा सबने, एप्रिकॉट की मिठास बिल्कुल आ रही है। मेरे ख्याल में बस ये है कि इसको पानी में डाल के रखने से, भिगो के रखने से ही सॉफ्ट हो गया है, वैसे थोड़ा सा हार्ड होता है। और ये वही फल होता है मैं बता दूं जिसके अंदर एक बीज निकलता है, उस बीज को जब आप उसके खोल को तोड़ते हो तो उसमें से बादाम निकलता है, ठीक है, वो वाला फल होता है, इसको एप्रिकॉट बोला जाता है। और खाने के बाद लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, शायद इसी वजह से ये ट्रेडिशन है इनका कि लास्ट में ये दिया जाता है। तो दोस्तों देखो खाना तो हमने पूरा खा लिया, आपको पूरा खाना बता दिया, एक चीज रह गई थी जो सर्व तो हमको पहले हुई थी लेकिन हमने रख ली थी कि हम बाद में आपको बताएंगे, जो कि है ये यहाँ की इनकी लोकल बियर जो कि इन्होंने घर में ही बनाई है ना, छंग, इसको छंग बोलते हैं। देखो क्योंकि ये लोकल बियर है, लोकल ड्रिंक है ना, अल्कोहलिक, तो इसीलिए इन्होंने बहुत कम दी है, क्योंकि हो सकता है कि है ना ज्यादा जो नहीं पीता उसको कुछ चढ़ जाता है हेडेक को। तो पी के देखते हैं स्वाद कैसा है, सिर्फ टेस्ट करेंगे क्योंकि मैं भी अल्कोहल नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो ये है जी रंगत, आप देख सकते हो। अब लेते हैं इसका सिप, और इसको इसके साथ लेते हैं लोग, नहीं नहीं ऐसे ही, ये तो ऐसे ही रखा है अलग। ये क्या है? तो योजा है, ये योजा है, ये रोस्टेड बाल, क्योंकि देखो मैं तो जयपुर से, मुझे लगा ये चखना है, बड़ी चखना नहीं है। अच्छा ये स्नैक की तरह, स्नैक्स की तरह खाते। ओके तो ये है, टेस्ट करके देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो रम की तरह लगा मुझे, बियर से तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका भी स्टेप आता है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, फर्स्ट स्टेप, ये कौन सा स्टेप वाला है? फर्स्ट स्टेप है ना, इसका तीन स्टेप निकलता है ना, पहले फर्स्ट, फिर पानी डाल, दो तीन घंटे के बसीरे की, फिर दोनों मिक्स करके ना। अच्छा बट ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी मेरे को। सो ये था पूरा खाना आज का, और ये था पूरा एक्सपीरियंस। डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जैक्ट नाम मिल जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं डाल दूंगा, इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा। अगर इन एनी केस कभी भी आप लद्दाख टूर पे आते हैं, ले आते हैं, तो यहाँ ये सारा जो इनका ट्रेडिशन है फील कीजिए, इनका ट्रेडिशनल खाना खाइए, इनसे मिलिए,
और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं। होटल बिल्कुल सस्ता, 1500 रुपए में रूम प्लस खाना फ्री उसमें। इससे बेटर डील मुझे नहीं लगता पूरे लद्दाख में आपको मिलेगी। मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि आपको कहीं भी जाऊं तो ट्रेडिशनल चीजें दिखाऊं और वहां की लोकल चीजें दिखाऊं, जो कि मैंने किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी जो रेटिंग है फूड रेटिंग वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया जायका है तो इसको कम आंकना गलत हो जाएगा, तो इसलिए रेटिंग मैंने दी है। क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी जिसको मैं बोलूं कि मुझे अच्छी नहीं, अपनी जगह पे क्योंकि मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझको। उसके अलावा जो इनकी प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जो हमने यहाँ पे किया है। भाई लोगों, मैं आप सबको बता दूं, हम लोग व्लॉगर्स हैं लेकिन हम हर जगह पे कराते हैं, लेकिन हम पे करते हुए कभी भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।